सेनेटर इमाम दीन शौकीन साहब, मुराद अली शाह, सीएम सिंध, सलीम मांडीवाला साहब, इस्लामुद्दीन शेख, इम्तियाज शेख, फराज धारेजो, डेरो शाहजिया मरी, जाम मुश्ताक, राणा सतार, मीर गुलाम कादर मरी, एमएनएस, एमपीएस, ममताज चांडियो साहब, नौशर फिरोज से आए हुए मेरे दूसरे दोस्तों हरिराम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट, राणा साहब आपको हम भूले नहीं है। दोस्तों, मेरे भाइयों, आजकल हर जगह चर्चा, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है कि मैं सिंधी में इससे नहीं बोलता कि वो सुनने वाले नहीं समझते हैं। तो और उनका झगड़ा उनका और हमारा है, जंग उनकी हमसे हमारे वसाइलों पे है, पाकिस्तान के वसाइल, न कि सिर्फ सिंध के वसाइल, पर पूरे पाकिस्तान के वसाइल, उनके ऊपर जंग है। ये मैंने बात इलेक्शन में शुरू की थी, इलेक्शन में मैंने आपसे ये बात की कि ये इनका जो ढोंग नजर आ रहा है मुझे, ये 18वीं तरमीम पे इनका डाका नजर आ रहा है। उस वक्त कुछ कलम नवीस वालों ने कुछ टीवी के इस्लामाबाद में नए दफ्तर बनाएंगे, नई चीजें बनाएंगे और उसका खर्चा होगा, उसमें से कमीशनें आएंगी और ये खाएंगे। इरादा ये है। बहरहाल हम तो लड़ते रहेंगे, हमने गढ़ी खुदाबख्श की धरती की कसम खाई हुई है कि हम अपने हकों के लिए, आपके हकों के लिए, आवाम के हकों के लिए हमेशा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कॉल पे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कॉल पे हम चलते रहेंगे और हम चल रहे हैं। पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहते हैं वो इनने नहीं बनाया, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। किसी जंग लड़के हम पाकिस्तान नहीं जीते थे। पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मेरे बुजुर्गों के स्कूल में पढ़ा, वो उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली डायलॉग करके, पॉलिटिकली समझे अरबाब साहब, डायलॉग करके पाकिस्तान लिया। और उसके बाद जो खून गारत हुआ वो एक उस वक्त के हिंदुओं की एक चाल थी, ये पाकिस्तान को नाकामयाब बनाने की और उस वक्त की सोच रखने वाले। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए हमारे पास 10 दफ़ा इज्जत हो, मगर वो पहले ही प्लान बना रहे थे कि 30 साल में वो पाकिस्तान तोड़ देंगे और हम उनके हाथों में खेल गए, तो इसलिए बांग्लादेश बन गया। मगर बहरहाल इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे और उस हक को लेने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इस तरह इस हक में आपके साथ आपके पश्तून भाई साथ हैं, आपके बलोच भाई साथ हैं, पंजाब का पूरा साउथ पंजाब साथ है, पंजाब साथ है और सिंध साथ है। जब इतनी बड़ी कौमें आपके साथ हों तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद अपनी टांगों पे खड़े होके कदम बढ़ाना है और का हाथ ऊपर करने हैं। ये बेवकूफ़ हैं, इनकी टांगें वैसे ही डगमगा जाती हैं, इतना डरने की बात नहीं है जितना मसला है। ये पूरा बजट आखिर हमने भी तो चलाया था, हमने उसी बजट में 100% इजाफा किया, नौकरों की तनख्वाहों में, जजों की तनख्वाहों में, फौजियों की तनख्वाहों में, हमने आते ही सारी तनख्वाहें जो बढ़ा दी।
پینشن والوں کی بھی تنخواہیں بڑھا دیں اس لیے کہ ہمیں فیلنگ تھی, ہمیں سوچ تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچ ہوتی ہے عوام کی, دھرتی کی, غریبوں کی. ان کو سوچ ہوتی ہے اپنے محلوں کی, اپنی چیزوں کی. بی بی صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جب سندھ جاتی ہوں تو وہاں کے غریب کی نوکری کی آواز جو ہے مجھے پیٹ سے آتی ہے, وہ پیٹ سے بولتا ہے, اور کہیں جاتی ہوں تو کوئی دل سے بولتا ہے, کوئی دماغ سے بولتا ہے. سندھ والے جو ہیں پیٹ سے بولتے ہیں. پر الحمدللہ 88 کے بعد سے اب تک سندھ بہت ترقی کر چکا ہے. وہ سے نہیں رہا مگر انشاءاللہ ابھی ہم نے اور بہت آگے جانا ہے. میں اگر یہاں اپنے سی ایم کی تعریف نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناشکری ہوگی. اس نے بھی ینگ مین ہو کے اچھا کام کیا ہے. تھوڑا دل کا کنجوس ہے, باقی سب ہے. تو وہ میں اس کو کہتا رہتا ہوں, اوریجنل ٹریننگ اس کی بینکنگ میں ہے. اور بینکر سے جب پیسے مانگنے جاؤ تو کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں, بس تو ہے نہیں. باقی وہ ایک ایشو ہے, اس کو ہم انشاءاللہ چلاتے رہیں گے. اور آپ دوست سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ آئے, آپ ملے, آپ سے پیار کیا. اب انشاءاللہ دوبارہ ہے اور انڈر پاس بن جائے گا. انڈر پاس مسئلہ نہیں ہے. اور پھر پہلی بات تو میں آپ کا, یہ ایک سندھی, سندھ کی عوام کا اپنی قائد محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ کہنا تھا کہ تیرا بیٹا بھی ہمارا بیٹا ہے. جی بھٹو.